मुख्यमंत्री श्रीदेव साय राजधानी रायपुर स्थित डॉक्टर खूबचंद बघेल व्यवसायिक परिसर फूलचौक पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और साहित्यकार स्वर्गीय डॉक्टर खूबचंद बघेल की 124वीं जयंती समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर बघेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने डॉक्टर बघेल के छत्तीसगढ़ के लिए योगदान को याद करते हुए कहा कि डॉक्टर खूबचंद बघेल जी छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के प्रथम स्वप्रतिष्ठा थे। वे एक समाज सेवी, साहित्यकार और प्रसिद्ध डॉक्टर थे। उनके छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के सपने को पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रदेश को अलग राज्य बनाकर किया और अब हमारी सरकार विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए सुशासन के रास्ते पर चलकर सर्वजनहितकारी कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ महतारी के लाल डॉक्टर खूबचंद बघेल जी को कोटिश प्रणाम करते हुए मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि डॉक्टर खूबचंद बघेल का व्यक्तित्व और कृतित्व हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। सबकर ले पहली मैं छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी छत्रे समाज के आभार व्यक्त करना चाहूँ, जेमन आज के इस समारोह पर मोला आमंत्रित करे रहिन और आज इस समारोह में शामिल होके मोला बहुत अच्छा लगत है। मैं डॉक्टर खूबचंद बघेल जिला सत सत नमन करत हूँ, मतलब मैं पुष्पांजलि अर्पित करत हूँ। अभी हमार समाज के कार्यकारी अध्यक्ष के नायक जी डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के जीवनी में प्रकाश डालीन है। वास्तव में डॉक्टर खूबचंद बघेल हमर छत्तीसगढ़ के निर्माण के प्रथम स्वप्न दृष्टा रहीन और भी कई ऐसे महापुरुष रहीन जो चाहत रहीन कि छत्तीसगढ़ राज्य के अलग निर्माण हो, लेकिन मैं आज अवसर में धन्यवाद देना चाहूँ हमर भारत रत्न ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जिला जो हमर ऐसे महापुरुष मन के स्वप्न ला पूरा करीन छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण करके। अब हमर महापुरुष मन के सबके ये स्वप्न रहिस कि छत्तीसगढ़ राज्य के अलग निर्माण हो और छत्तीसगढ़िया मन के सर्वांगीण विकास हो। अब ये दायित्व हमर ऊपर में है। रात तो हमला अटल बिहारी वाजपेयी जी बना के दे दिन, उमन के हम आभारी हैं, वो छत्तीसगढ़ राज के निर्माता हैं, लेकिन अब छत्तीसगढ़ ला हर दृष्टिकोण से आगे बढ़ाए के काम करना हमारी जिम्मेदारी है। आज डॉक्टर खूबचंद बघेल साहब उमन के जीवनी ला सुने हो, वो खाली मतलब एक अच्छा डॉक्टर भी रहिन, साहित्यकार भी रहिन और जो पूरा अपना जीवन अपन माटी पर अपन समाज पर समर्पित कर दिन, ऐसे डॉक्टर खूबचंद बघेल रहिन। और हमला छत्तीसगढ़ के विकास करना है, अभी आपन के आशीर्वाद से इस सरकार के मुखिया के दायित्व तो आपन के बेटा के ऊपर में आए हैं और अभी आपन के बीच में एक पहली जो 5 साल सरकार के मुखिया रहीन वो भी बैठीन है। सबकर उद्देश्य रहते प्रदेश के विकास करे बर, लेकिन अभी हमारे सरकार के 7 महीना हुई से तो कुछ छत्तीसगढ़ के विकास पर काम हमन शुरू करे हन। यहाँ पिछले 5 साल में जो प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए रहीन उमन भर सरकार शपथ लेहे के दूसरे ही दिन हमन 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति दे हन, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हन, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान के कीमत दे हन, एक मुश्त ओकर कीमत भी अदा करे हन, 2 साल के बोनस 12 लाख से ज़्यादा किसान के 3716 करोड़ रुपया वो देहे के काम करे हन, तेंदू पत्ता के खरीदी जो हमार बस्तर और सरगुजा संभाग में जो हमारे आदिवासी भाई मन हैं उमन के लिए हरा सोना कहला थे और 12.5 लाख से ज़्यादा परिवार ये तेंदू पत्ता से जुड़ीन हैं। इस साल 5,500 प्रति मानक बोरा के हिसाब से उमन के तेंदू पत्ता भी खरीदे हन
और हमारे छत्तीसगढ़ ला भगवान बहुत फुर्सत से बनाई से बहुत ही धनी प्रदेश हो सकत है। खनिज संपदा से हमारे धरती भरपूर है। यहाँ पूरा लोहा के पहाड़े, बेलाडीला पूरा पहाड़े, कोयला प्रचुर मात्रा में है, सोना चांदी हीरा घलो है, टीना भी है और भी कई तरह के खनिज है, वनोपज सैकड़ों तरह के वनोपज है। यहाँ के धरती माटी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। आप मन सब मेहनत कस किसान हो तो सब मिलके हमार जो पुरखा मन के जो सपना रही से एक विकसित छत्तीसगढ़ के ओला सबला हमला मिल के पूरा करना है। और अभी आपन के आशीर्वाद से आपन के भाई बेटा के ऊपर में दायित्व है तो आपन के आशीर्वाद मार्गदर्शन भी हमला मिले ये छत्तीसगढ़ लागे विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करे बर। और मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए एक बार फिर से डॉक्टर खूबचंद बघेल के जयंती के अवसर में आप सबला बहुत बहुत शुभकामना देवत हों और आपन जो ये कार्यक्रम में मोला बुलाओ ओकर लिए पूरे समाज के आभार व्यक्त करते हुए अपन बात ला यही समाप्त करत हों। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।